सती मैया के पूज्य पिताजी हैं दक्ष महाराज। क्या नाम है? दक्ष। दक्ष महाराज को ब्रह्मा जी ने दो अधिकार दिया। पहला, उनको प्रजापति बनाया। प्रजापति कहते हैं जो सृष्टि का विस्तार करते हैं, वो अधिकार दिया। और केवल वो नहीं, कई प्रजापति बने। जब बहुत सारे प्रजापति बन गए तो उन सभी प्रजापतियों का फिर से राजा बनाया दक्ष महाराज को, इसीलिए उनको दक्ष प्रजापति कहते हैं। और जैसे समस्त राजा प्रजापतियों का नायक नियुक्त हुए, कौन? दक्ष। अभिमान हो गया हो, ये अभिमान बहुत अद्भुत चीज है। जैसे अधिकार आवत है तो अधिकार के साथ साथ अभिमान भी आवत है, है? आवत है ना? बढ़िया पोस्ट प्राप्त हो जाए तो आदमी ऐसे तन जात है। जीवन में जब कुछ प्राप्त हो, उपलब्धि, तो ये न मानिए कि आपको मिला है, ये मानते रहिए कि भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, तो कभी अधिकार नहीं होगा। महामंत्र जपिए, भगवान की कृपा हो गया, भगवान की कृपा नहीं हुआ वो भी भगवान की कृपा। अपना मानिएगा कि अभिमान हो गया। हनुमान जी लंका जलाओ ला के पहुंचे समुद्र पार करके राम जी के पास, तो भगवान ने फुलझड़ी छोड़ी। कहु कपी रावण पालित लंका, के ही विधि दहे ओ दुर्ग अति बंका। हनुमान, जिस रावण की लंका में बिना अनुमति के पवन देव भी नहीं प्रवेश कर सकते, उस रावण की इस दुर्ग को तुमने जला दिया, कैसे कर दिया? हनुमान जी बोले, प्रभु यहीं पर दूसरा कोई रहता तो प्रभु ऐसे पटक के मारे, वैसे पटक के मारे, फोड़ दिए, सब बताता, आग लगा दिए, झोंक दिए उसी में। तो नारद जी बोले कि नहीं बोले? प्रभु, नारद जी को जब अभिमान हुआ था, प्रसंग सुनिएगा कला, हनुमान जी क्या बोले? प्रभु मैंने कुछ नहीं किया, हम तो बस गए थे और जो किया आपके आशीर्वाद ने किया। अरे करते हैं मेरे राघव, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है कमाना, मंजिल भी मिल रही है, हैरान है नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है
सत्य कहता हूँ। करता नहीं हो कुछ भी, करता नहीं हो कुछ भी, फिर भी सब काम हो रहा है। करता नहीं हो कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूं काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे तेरी कृपा से राघव, तेरी कृपा से राघव, ये कमाल हो रहा है। तेरी कृपा से राघव, ये कमाल हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, और मेरा नाम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तेरा कर्म ये मुझ पर, तेरा कर्म ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। तेरा कर्म ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे रे सब काम हो रहा है, अरे रे सब काम।
एक ही बात भगवान से कही, मेरा आपकी कृपा से है? अरे सब काम हो रहा है। आप लोग थोड़ा बैठे बैठे, हम दो मिनट, सीटी बज रही है, हम दो मिनट कीर्तन करते हैं, आप लोग बैठे बैठे आगे थोड़ा बढ़ाइए, भोजपुरी में कहे तो घुसू काइए। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, 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 हरे रामा रामा राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। जैसे भगवान शंकर माँ भगवान सती को कथा सुनाना प्रारंभ की, दक्ष को बड़ा अधिकार प्राप्त हुआ और अधिकार प्राप्त होते उनको अभिमान हो गया, परिणाम भगवान शिव को अपमानित करने के लिए दक्ष ने हरिद्वार के कनखल में एक यज्ञ की रचना की और सबको बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु और महेश तीन देवताओं को छोड़कर यज्ञ में जितने जितने देवता भाग पाते हैं, न्योते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। बाबा कथा सुना रहे, देवता यज्ञ में भाग लेने जाने लगे, लेकिन देवता भी अद्भुत है साहब, अपनी अपनी देवियों के साथ विमान में बैठ गए और विमान से आकाश मार्ग से चले, जब आकाश से ही जाना था तो थोड़ा बाईपास लेके चले जाते, कैलाश के ही ऊपर से क्यों जाना था, सारे देवताओं का विमान कैलाश के ऊपर से जाने लगा। सती मैया ने देखा, पूछा, प्रभु ये देवता सब कहां जा रहे हैं? बाबा ने पूरी बात बताई, मां ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आय सुहो तो मैं जाऊं कृपाय करन सादर देखन सो।
माँ ने कहा प्रभु पिताजी के घर में उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक बार उत्सव देखने के लिए पिताजी के घर चली जाऊं। अब यहां एक बड़ी सूक्ष्म बात मैं आपसे निवेदन करूं, शंकर जी को सती मैया को जाने के लिए मना करना है, ठीक है, लेकिन कैसे मना करना है ये ढंग देखिए। बाबा ने ये नहीं कहा कि देवी आप गलत बोल रही हैं, नहीं जाना चाहिए, ये नहीं कहा। जैसे मैया ने जाने की अनुमति मांगी, शंकर जी मुस्कुरा कर बोले देवी आपने बहुत अच्छी बात कही, आपकी ये बात मेरे मन को बहुत अच्छी लगी, कहे उनीक मोरेहु मन भावा। लेकिन एक बात बोले देवी, आपका जाना उचित नहीं होगा। क्यों? ये जितने देवता जा रहे हैं इन सभी देवताओं को वहां बुलाया गया है, आपके पिता ने मेरे से बैर है, तो मेरे से बैर होने के कारण आज अपनी बेटी को भी नहीं बुलाया, हमारे बैर तुमहू बिसराए, भूल गए। शंकर जी से कहा है बैर है दक्ष को। देखिए जिस मनुष्य को सम्मान की भूख रहेगी वो उसके लिए पूरे संसार से दुश्मनी हो जाएगी। क्यों? जहां जाइएगा सम्मान की टोपी पहन के जाइएगा, हम जाएंगे हमारा सम्मान होगा, नहीं होगा आपने हमारा अपमान कर दिया, आप हमको माला नहीं पहनाए। अरे किसने कहा था कि आप सोच के आइए आपको माला मिलेगी यहां पर? सम्मान की कल्पना ही हम जहां जाते हैं हमको अपमानित करा देती है, इसलिए सम्मान से परे रहिए। कोई भी किसी का अपमान नहीं करता, हम अपने आप का स्वयं अपमान करते हैं। ब्रह्म सभा में एक बार भगवान शंकर राम नाम में लीन थे, दक्ष गए, बाबा को ध्यान नहीं रहा, दक्ष को लगा कि हमारे दामाद ने हमारा अपमान कर दिया, मैं आया और ये खड़ा नहीं हुआ। उस दिन से शंकर जी को शत्रु मान लिए। शंकर जी बोले देवी जाना उचित नहीं रहेगा, यद्यपि पिता के घर, मित्र के घर, सद्गुरु के घर और स्वामी के घर चार जगह बिना बुलाए जाना चाहिए। जिसको मित्र कह दिया वहां से निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए, बिना बुलाए जाइए। लेकिन देवी यदि अपमानित करने के लिए नहीं बुलाया गया है तो मैं कहता हूं तहां गए कल्याण न हो, वहां जाने पर कल्याण होने वाला नहीं है। बाबा मना किए लेकिन हमारा माई मानत नहीं है, वो मैया जिद पे है, अड़ी है कि जाना है। अंत में बाबा ने अपने दो मुख्य गणों को साथ में लगाकर पार्वती मैया को विदा किया। और आपको बताऊं सती मैया अपने पिता के घर गई, कोई नहीं मिला, घर वाले देखे तक नहीं सती मैया को। आप कल्पना करिए बेटी, क्षमा करिएगा, 80 साल की बूढ़ी माई, कितनों घुटना में दर्द हो, जब बात आ जाए मैके जाने की सारा दर्द गायब, क्षमा करिएगा, मैके जाने के नाम पर जो चेहरे पर आनंद होता है वो साहब है। सती मैया पिता के घर गई होंगी, आप कल्पना करिए कितनी मन में कल्पना होगी। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष के डर के मारे किसी ने सम्मान तक नहीं किया, मिला तक नहीं कोई, छोड़ एक को, एक मिली, जानते कौन? जन्म देने वाली मां मिली हो। कि प्रसंग कहता है दुनिया हमको छोड़ सकती है लेकिन हमको जन्म देने वाली मां कभी नहीं त्याग सकती। प्रसूति मैया आकर सती मैया से मिली, बहने भी मिली, परंतु गोस्वामी जी कहते हैं भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा कर मिली। मुस्कुराना ठीक है, बहुत मुस्कुराना ठीक नहीं है, व्यंग हो गया।
सती मैया ने माँ से अनुमति लेकर यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाई और देखा यज्ञ में मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं बना। पूरा शरीर क्रोधाग्नि में भभक उठा माँ का। माँ देवताओं पर मुनियों पर दपट पड़ी, बोली जितने ऋषि मुनि बैठे हैं ध्यान से सुनिए मेरी बात। आज इस यज्ञशाले में बैठकर जिसने जिसने मेरे पति भगवान शंकर की निंदा की है अथवा जिसने बैठकर कानों से श्रवण किया है आप सबको दंड मिलेगा, आज अभी मिलेगा। मर्यादा कहती है जिस सभा में शंकर की संत की और श्रीहरि की निंदा हो रही हो और यदि तुम वहां पर बैठे हो यदि भुजाओं में शक्ति है तो निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो, शक्ति नहीं है तो कान बंद करके वहां से चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है, आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित करा के और मां ने सबके सन्मुख अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। मां का पूरा शरीर योगाग्नि में जल उठा हो, जितने देवता मुनि थे कांपने लगे। शंकर भगवान ने पता चला वीरभद्र को भेजा है, वीरभद्र आए, सबसे पहले यज्ञ के आचार्य की दाढ़ी नोची, बोले बिना शंकर जी को बुलाए आचार्य बने हो? किसी का आंख फोड़ा, किसी का दांत तोड़ा, किसी का पांव तोड़ा। दक्ष के सर को पकड़ा वीरभद्र ने हाथ से घुमाया और धर से सर को उखाड़ कर अग्नि कुंड में ले जाकर मानो पूर्ण आहुति कर दी यज्ञ की, स्वाहा कर दिया।